तो हेलो गाइस, मैं अजय आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लक्की गेमिंग में। तो आज मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। आखिर हुआ क्या था ये आपको मैं बताता हूँ। मैं एक नॉर्मल वीआर रैंक मैच खेल रहा था सोलो में, तो मैंने एक लड़की थी रानी रानी करके, उसको मैंने वन टैप मार के खत्म कर दिया। लेकिन वो 3 मिनट से पहले, क्या आज मतलब आजकल नया अपडेट चल रहा है, उसमें क्या होता है कि जो सोलो मैच अपन खेल रहे हैं उसमें क्या होता है, 3 मिनट के पहले जब अपन मर जाते हैं तो वापस रिवाइव हो जाते हैं। तो आखिरकार मुझे पता था वो बंदी वहीं उतरेगी, तो वो वापस वहीं उतरने लगी। इससे पहले मैंने उसको हवा के हवा में ख़त्म कर दिया, और फिर बाद में इमोट दिखाया कि वो मेरे को पता था, वो देख रही है, एक स्पेक्टेट आ रहा था। तो फिर उसने मैच ख़त्म होने के बाद मैंने देखी कि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। फिर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, तो उसने मुझे ग्रुप में बुलाया और बोला तुम्हें दम हो तो 1 vs 1 कस्टम में मुझे हरा के बताओ। तो वही कस्टम आज होने वाला है। आपको क्या लगता है मैं उससे जीत पाऊंगा? आपने वीडियो के ट्रेलर में तो देख ही लिया, वो क्या ही गंदे वन टैप मार रही है वो। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो देखिए गेम स्टार्ट हो चुका है। मुझे विश्वास है आपको वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को पूरी एंड तक देखना, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरी HP बहुत कम रह चुकी है, मैं उसको मारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो भगती जा रही है। मैं मेडकिट से भर लेता हूँ पावर। मैं जाता हूँ उसके ऊपर, रश ही करता हूँ, ताकि उससे क्या होगा, रश करने में वो वन टैप मारती है तो रश करने में क्या ईजी रहेगा मारने उसको। ओ भाई, क्या ही वन टैप मारा है, ये तो हैकर की तरह खेल रही है, बहुत गंदा वाला। कोई बात नहीं, अभी तो एक ही राउंड आ रहे हैं, हम सेकेंड राउंड में कम बैक कर लेते हैं। हम इस बार मैं MP40 पूरी उसके मुंह में भर दूंगा, तो कैसे ऐड मारेगी, मैं उसको मौका ही नहीं दूंगा ऐड मारने का। चाहता हूँ उसके पास बिल्कुल सीधा ही रश करता हूँ उसके ऊपर। फर्स्ट राउंड में तो उसने मुंह दिखते ही वन टैप मार दिया, देखते हैं सेकंड राउंड में मैं कम बैक कर पाता हूँ नहीं कर पाता। मैं भी कोशिश करता हूँ वन टैप पड़ जाए, पैर से वन टैप लगना बहुत मुश्किल है। आज तक मेरे से वन टैप नहीं पड़े, पड़ जाए तो ये समझ लो कि गलती से पड़ गए। कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वन टैप नहीं पड़ रहा मेरे से, बॉडी बॉडी जा रहा है, बॉडी बॉडी। ओ भाई, क्या मारा है, هاكر 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 يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هاكر. ये तो हैकरों की तरह खेल रही है, वो कैसे मार रही है मुझे, बहुत गंदा वाला। कोई बात नहीं, मैं हैकर को भी पछाड़ने वालों में से। तीसरे राउंड में हम कमबैक करने की कोशिश करेंगे, MP40 भर देंगे अपनी बार, तो MP40 लेते हैं, MP40 पूरा डाल देंगे मुंह में, कैसे नहीं मरेगी, हैकर भी क्या ही करेगा। तो स्टार्ट करते जाते हैं हम यहाँ से, बिल्कुल पास रहना पड़ेगा हमें उनके, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। उधर क्या हुआ, गलती से दो बंदे आ गए थे गेम में, तो एक बंदा बार बार एलिमिनेट हो रहा है। उसको इतना विश्वास है रानी रानी पे कि वो जीत जाएगी 1 vs 1 में, उसका फ्रेंड है वो। सामने बंदा है, सामने बंदा है, सामने बंदा है।
एक राउंड तो आखिरकार हमने निकाल ही लिया। एक दो से आगे आ चुका हूँ मैं। आपको क्या लगता है मैं जीत पाऊंगा? कमेंट में जरूर बताएं ताकि मुझे पता लगे कितने लोग को पता लग रहा है कि मैं जीत पाऊंगा या हारूंगा। फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कौन जीतता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसको हराने की, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ में तो है, देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो इस वीडियो को और इस चैनल के बारे में बताओ। देखिए आप एक बंदा अगर सिचुएशन है वापस क्या बोलते हैं रेंज से बहुत दूर। ओ भाई भाई घंटे मारा है, बहुत ही खतरनाक प्ले कर रही है बंदी। अब जैसे तैसे हमने एक राउंड जीता है और वो तीन राउंड जीत चुके हैं, अब हमें कमबैक करना पड़ेगा नहीं तो हम इसे हार जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, रश करते हैं वापस उनके पास डायरेक्टली जाके। मैंने वापस MP40 ले ली है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस राउंड को? इस बार मैंने वापस बूट पैकर ले लिया। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि यार उसकी तरह वन टैप ही दिया जाए, कोशिश करने में क्या जाता है। वैसे वैसे वन टैप पड़ते तो नहीं, इस बार ट्राई करता हूँ वन टैप, देखते वन टैप पड़ेंगे या नहीं पड़े। बंदे तो मिल ही नहीं रहे, कहाँ गया बंदा, कहाँ गया पता नहीं, बंदा ही कहाँ गया। अब मैं कोशिश करता हूँ वन टैप मारने की, हो सकता है वन टैप पड़ जाए, कोशिश करने में क्या हर्ज है। वाह वन टैप पड़ भी गया, कहते ही मैंने वन टैप ठोक दिया सामने वाले बंदों के। तो मैं 2-3 से आगे हो चुका हूँ, अभी 5 राउंड हो चुके हैं। जो पहले 7 राउंड जीतेगा वो विनर होगा। आ गई वो सामने से, मारने चलते हैं उसको। कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं मारने की उसको। ओ वापस वन टैप, कितने गंदे वन टैप मार रही है आप देखिए। मैं क्या आपको लगता है मैं इसे जीत पाऊंगा? अब मैं 2-4 से पीछे हो चुका हूँ, कमबैक करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो वन टैप मार मार के उसने तीन जो चारों राउंड है उसमें 3 राउंड उसने वन टैप मार के ही लिए, बहुत ही गजब के वन टैप मार रही है। चलते हैं डायरेक्टली वही रश करने, देखते हैं क्या होता है। मैंने वही MP40 ले ली है बॉडी बॉडी भरने के लिए, या फिर दूर से MP40 से नहीं मार पा, मतलब दूर से वो वन टैप नहीं मार पाएगी, मैं कवर में रहूँगा उसको MP40 से मारने का मेरा इरादा है, देखते हैं क्या होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से मेरे को पता लगता है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स को वीडियो पसंद आ रही है। थोड़ी सी रह गई वो, कितनी कम HP की रही है, किस्मत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस राउंड को भी मैं हार चुका हूँ, पता नहीं क्या ही होने वाला है। आप जितने ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओगे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहूँगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। मैं 2-5 से बहुत पीछे रह चुका हूँ, 5 राउंड में हार चुका हूँ, 2 राउंड ही ओनली जीता हूँ अभी भी। आपको क्या लगता है क्या मैं इस मैच में वापस बढ़त बना पाऊँगा? क्या आपको लगता है कि मैं इस मैच को वापस जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा? तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए आपको जैसा भी लगता है। वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ, सकता है वन टैप पड़ जाए।
अरे भाई साहब, तीन गोली में भी वन टैप नहीं पड़ा। मैंने कहा आपसे मैं से वन टैप पड़ते नहीं, कभी कभी तुक्का लग जाता है मेरे से पढ़ नहीं पा रहे वन टैप, कितना कोशिश कर रहा हूँ। ना MP40 लग रही, कुछ नहीं लग पा रहा मेरे से बिल्कुल भी, एक भी गोली नहीं पड़ पा रही अभी तक। पता नहीं कहाँ गई वो, यहीं तो थी। हाँ पीछे ही है जस्ट। ओ वापस निकल गई, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो इस राउंड को भी मैं हारने वाला हूँ। अलग ही मोमेंट है उसका, मोमेंट है जो तो है, वो बार बार वन टैप मार रही है, बार बार हैकर की तरह बहुत ज़्यादा। ओ मेरा बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, मेरे को निकलना पड़ गया। ऐड किट करता हूँ। आ रही यही आई, बड़ी बड़ी करके मार दिया इसको तो बड़ी को। ये हैकर है तो हैकर के भी बाप है। इसी तरह चलो 3-5 से तो थोड़ा सा तो आ गया है, अब 2 ही राउंड का गैप है। अब यदि मैं 2 मैच हारा रेगुलर या जैसे भी, तो मैं हार जाऊंगा और मुझे रेगुलर 4 मैच जीतने, या तो मुझे 4 मैच जीतने या वो 2 मैच जीत जाए। आपको क्या लगता है वो 2 मैच जीत पाएगा? तो चलते हैं वापस, तो चलते हैं वापस MP40 के बड़ी बड़ी करते सामने से चलेंगे गली में से। गली में पैक करके बहुत गंदा वाला मारती है। वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ मैं, हो सकता है वन टैप पड़ जाए। इधर तो उसने ग्लू से पैक कर दिया। निकलता हूँ मैं यहाँ से, चलता हूँ। उनका जो एक साथी है वो तो बार बार एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि वो गलती से आ गया था। करना तो कस्टम 1v1 था। गली में आ गया मैं, हो सकता है वो इधर बैठी हो। पूरी कोशिश करूँगा मैं राउंड जीतने की, क्योंकि 3-5 से हो चुका है। यदि मैं इस राउंड को भी हार गया तो फिर मेरे को कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कमबैक करना, क्योंकि ओनली 1 राउंड बचेगा। फिर मुझे 4 राउंड जीतने और उसको 1 राउंड जीतना है, बहुत मुश्किल है फिर रेगुलर 4 राउंड जीतना। इस वाले राउंड को मैं निकाल सकूं, वो भी इतनी डैमेज है जितना मैं डैमेज हूँ। वही पावर बढ़ रही है, मैं भी पावर बढ़ लेता हूँ, रश करता हूँ, हो सकता है डायरेक्टली मर जाए। ओ भाई बहुत डैमेज दिया है, इसको पैक करता हूँ, पैक करूँ, पैक हो जा, पैक हो जा, पैक हो जा, हो गया पैक। पावर तो मैड ही करता हूँ। मजा आ गया, बच गया। ओह ऊपर से आके मार दिया। अरे यार मैं 3-6 से पीछे हो चुका हूँ, अब उसको ओनली 1 राउंड जीतना है और मुझे 4 राउंड जीतने, तब जाके मैं जीत पाऊँगा। क्या आपको लगता है मैं ऐसा कमबैक कर पाऊँगा? अब मुझे कवर में रह के खेलना पड़ेगा। हल्का सा भी मैंने उसको मौका दिया और उसने मेरे वन टैप दिया तो मैं हार जाऊँगा मैच को। देखते हैं क्या होता है, कोशिश मैं पूरी करूँगा इस मैच को जीत पाऊँ। अब मुझे थोड़ा कवर में रह के खेलना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। आप तो वीडियो का मज़ा लीजिए, आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना यदि चैनल पर नए हो तो। मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी हम 10K, मैं चाहता हूँ कि 10K भी हमारे बहुत जल्दी हो जाए। MP40 से मारते हैं इसको, तो मौका ही नहीं देंगे वन टैप मारने का। थोड़ी सी और थी आलो, वाह हेड से मर गई। हमने 1 राउंड वापस कमबैक कर लिया है, 4-6 हो चुके हैं। अब हमें रेगुलर 3 मैच जीतने हैं, उसको 1 मैच जीतना है। मैच क्या से राउंड बोल सकते हो, मैच तो पूरा मैच हो जाता है। इस राउंड में मैं उसके पास गया तो वो मेरे को भून डालेगी, तो इस राउंड में मैं ट्राई करता हूँ वन टैप पड़ जाए। वैसे वन टैप पड़ते तो नहीं है, 100 में से 1 वन टैप लगता है मेरा, मजाक कर रहा हूँ। मतलब 100 में से 1 मतलब बहुत कम वन टैप मेरे लगते हैं सही जगह पे। कोशिश करता हूँ इस मैच में वन टैप लग जाए, क्योंकि वो भी दूर से ही मारेगी। यदि गलती से पास ही आ गई तो वो इस बार M187 से मेरे भून डालेगी मुझे। मुझे दूर से वन टैप की कोशिश करता हूँ, हो सकता है वन टैप पड़ जाए। कहाँ गई वो? हाँ शायद सामने ही है, हाँ सामने ही। वो एक बंदा एलिमिनेट हो चुका है उनका, वो देखो मेरा वेट कर रही है। मैं पूरा कवर में रहता हूँ, चांस दूंगा ही नहीं उसको कि वो वन टैप मार सके। हल्का सा नज़र हटी दुर्घटना घटी, कहावत सही कही है। हल्का सा मैं अभी बाहर गया तो मेरे को वन टैप ठोक गई। कवर में रहता हूँ वो खुले में। ओ भाई क्या ही वन टैप पड़ा है मेरे से, पूरा गेम चेंज होता जा रहा है। 5-6 से मैंने कमबैक कर लिया है, मेरे को 2 राउंड जीतने हैं और उसको 1 राउंड जीतना है। ये जगह भी वैसे वन टैप की है, ये जगह मेरे लिए बहुत खतरनाक लगती है मुझे, ये सबसे घटिया जगह है ये। इस पर वन टैप बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, मैं ऐसा करूँगा उसके पास जाके उसको मारूंगा। वन टैप मारने की कोशिश करी तो वो मेरे को वापस वन टैप से उड़ा देगी।
पिछली बार तो तुक्का लग गया, बार बार तुक्के लगते नहीं है। देखता हूँ मैं कैसा सिचुएशन बैठती है, वन टैप की सिचुएशन बैठी तो मुझे भी क्या करना है, वन टैप मारना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। चलते हैं, अभी तो डायरेक्टली सीधे पास में उसके, दूर रहे तो वो पता नहीं कब मार देगी, तो मौका नहीं देना बस। मौका दिया और उसने वन टैप ठोका। वो भी समझ रही है कि मैं छात से निकल सकता है, वो ज़्यादा मेरे को वन टैप के मौका दे नहीं रही। कवर में है वो भी पूरी, मैं भी कवर में हूँ। अब तो मुझे खुद को पास जाना पड़ेगा, क्योंकि तो यदि जोन ज़्यादा छोटा हुआ तो वो मेरे को एमिनेटेड टर्न से बहुत गंदा वाला मारेगी। चलता हूँ मैं उसके, ग्लू लगा के उसके पास चलते हैं। कर दिया मैंने रश, अब आ जाए वो एक बार चंगुल में मेरे। ओ वो पीछे चली गई, मैं तो थोड़ा वो भी डर के खेल रही है, क्योंकि इतना कमबैक मैंने कर लिया है, हो सकता है वो हार जाए। यदि इस मैच में मैं हारा तो मैं चैलेंज हार जाऊंगा, तो ये मैच चैलेंज का है, नॉर्मल मैच तो है नहीं जो मैं हार जाऊं। वो भी पूरी कोशिश करेगी जीतने। कहाँ निकल गई वो, अभी तो यहीं थी। बातों बातों मुझे ध्यान नहीं रहा, पता नहीं कहाँ निकल गई वो, देखते हैं कहाँ गई। पीछे भी नहीं है, हाँ वो रही सामने, पता ही नहीं लगा कब निकल गई ये ग्लू बॉल के पीछे से। अब तो अपने को रश करना ही पड़ेगा, नहीं तो जोन इधर आ जाएगी। चलते हैं रश करने डायरेक्टली उसके ऊपर, MP40 है, देखते हैं MP40 काम आती है या नहीं आती। ग्लू लगा के रश करते हैं, पीछे से जाते हैं थोड़ा, हो सकता है उसका ध्यान नहीं हो। पीछे से जाके एकदम से मारेंगे उसको, हो सकता है मैटकिट भर रही हो। ओह वहीं बैठी थी, वाह। अब हमने ये राउंड भी निकाल लिया, अब लास्ट राउंड है, बिल्कुल पीछे हो चुके हैं, बिल्कुल लास्ट राउंड है। देखते हैं क्या होता है, अब तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं मैच जीत जाऊँगा, क्योंकि 6-6 राउंड तक मैंने कमबैक कर लिया। अब लास्ट राउंड बचा है, अब लास्ट राउंड में वन टैप ही खेलना पड़ेगा, पास गए तो हो सकता है रिस्क रहेगा। कोशिश भगवान मेरा वन टैप लगा देंगे तो आराम से मैं इस मैच को निकाल लूँगा, और यदि उसने वन टैप मार दिया तो ये मैच मेरे हाथ से चला जाएगा। तो अब मैच का पूरा इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट आ चुका है, अब देखते हैं ये मैच किसकी तरफ जाता है। वो इस मैच को जीत के मुझे चैलेंज को हराती है, मुझे मेरा चैलेंज हराती है, या फिर मैं उसको चैलेंज हराऊंगा। देखते हैं, वो एक बंदा एलिमिनेट हो चुका है, आमने सामने की लड़ाई है, वो सामने। ओ वो ग्लू नहीं लगा रही, मैं कोशिश करता हूँ वन टैप। ओ वन टैप पड़ गया, आखिरकार मैंने ये मैच जीत ही लिया। तो गाइस यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले से ही मिल सके। और मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोस आएगी।